हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी लोग आए लाइव, तो हम लोग स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेरे यहाँ बहुत जोरदार बारिश हो रही है, मे भी नेटवर्क इश्यू हो, तो मे भी क्लास सही से ना चल पाए। तो जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। बहुत जोरदार बारिश हो रही है, बादल गरज करके। ओके, तो वेक्टर्स में मैंने जो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपको समझा दिए, उनके प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करेंगे। असाइनमेंट्स वगैरह मैंने सेंड किया हुआ था ग्रुप में, आप प्रैक्टिस करेंगे। नहीं बनता आप उसको डिस्कस करेंगे ग्रुप में। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा हो सके आप उतना करेंगे। मैं जो मेन कॉन्सेप्ट चीजें हैं वो सारी चीजें आपको बतला रहा हूँ, इतना बतला रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम्स कर पाए। ठीक है, अब वेक्टर में हमने जैसे देखा कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत सारे ट्रिक्स थे आपको, है ना, बहुत सारे और भी मैथमेटिकल उसमें कॉम्प्लिकेशंस थे। लेकिन मैट्रिक्स जो आपका चैप्टर है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या आपका है कि सीधे 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 आपको प्रॉपर्टीज हैं कुछ, और उन प्रॉपर्टीज के बेस्ड ही क्या आपको है क्वेश्चंस होते हैं आपको, और वो क्वेश्चंस आपको जेआरएफ में, जेस्ट में, टीएफआर में, गेट में, जैम में, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं मैथ्स लेवल पे, उन सारे एग्जाम्स में मैट्रिक्स से क्वेश्चंस होते हैं। कैसे होते हैं? तो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपका पूरी का पूरा का पूरा क्या है, थ्योरेटिकल आपका है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस इतना सा है कि सारे प्रॉपर्टीज आपको याद करने होंगे, और याद ऐसे रटना रटना नहीं मारना है आपको। आप बैठ करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको ऑटोमेटिक वो सारे प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं कि 100-200 प्रॉपर्टीज हैं, 100-200 प्रॉपर्टीज हैं और उनको आपको याद करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है उनको आपको याद करना है, उसके बेसिस पे आप प्रॉब्लम्स करेंगे। हमेशा उसी से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं हमेशा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया क्या कि अगर आपने मैट्रिक्स सही तरीके से करा हुआ है तो आप जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चाहे वो जेआरएफ में आए, चाहे टीएफआर में आए, चाहे आपके जैम एग्जाम में आए, सभी एग्जाम्स में आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल आपका क्वेश्चन होना ही होना है, श्योर होना है आपका, तो वो क्वेश्चन आप हमेशा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो ध्यान से आप समझें, इसको करें। साउंड नहीं आ रहा क्या? कैन यू प्लीज इंक्रीज माइक साउंड, ऐसा बोल रहे हैं। एक बार कंफर्म करो साउंड आ रहा है सही या नहीं आ रहा। साउंड आ रहा है या नहीं, एक बार कंफर्म कर दो। सही लोग, सभी लोग, हाँ, क्योंकि मैंने बताया बहुत जोरदार बारिश हो रही है, अभी भी बादल गरज रहे हैं बहुत जोर जोर से, तो मे भी मैं जल्दी से मतलब कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बहुत तेज बारिश हो रही है। ओके, तो मैट्रिक्स है ना, तो मैंने बोला कि आप सही से पढ़ें, आपसे ये क्वेश्चन हर हाल में बनने वाला है। ठीक है, एग्जाम में हर हाल में बनने वाला है। अब जैसा कि मेरा जो मेरी जो आदत है, जो भी मैं शुरू करता हूं तो बहुत ही बेसिक्स से शुरू करता हूं, तो मैट्रिक्स भी हम यहीं से शुरू करेंगे। छोटी छोटी बातें, मैट्रिक्स क्या है, उसमें एडिशन सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, वहां से करते करते हम लोग जो आपके आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम्स हैं वहां तक आएंगे। आइगन वैल्यूज के बाद आपको सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको वहां तक आएंगे और वहीं पर एंड होगा आपका। ठीक है, दूसरी जो मेरी आदत है मैथमेटिकल फिजिक्स में, कि मैं चीजों को जो मैथ में हम पढ़ रहे हैं उन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, जो अपना फिजिक्स है उससे हम रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, जो इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट जो भी होंगे उनको हम अपने फिजिक्स के साथ रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। और फिजिक्स में बेसिकली हम किसको डील करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स को डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्वांटम मैकेनिक्स को पता है,
आपका सोडिंगर आपका फॉर्मेट है सबसे पहले, उसके बाद आपका ड्रैगड आपका जो है ब्रा केट अलजेब्रा आपका आया, ठीक है, और उसके बाद आपका नया मैट्रिक्स नोटेशन आपका आया, ठीक है, मैट्रिक्स नोटेशन आपका आया, मैट्रिक्स फॉर्मेट आपका आया, जिसमें हम सारे जो क्वांटम मैकेनिक्स ऑब्जर्वेबल्स हैं या फिर उसके जो वेव फंक्शंस हैं उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी मैथमेटिक्स क्या होगी, बहुत आसान होगी ऐसा करने से, ठीक है। तो मैट्रिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे उन सभी को हम लोग लगभग लगभग क्वांटम मैकेनिक्स से ही जोड़ करके देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जितना यहाँ पे हो पाएगा उतना हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स इसमें समझेंगे, और बाकी क्वांटम मैकेनिक्स जब हम लोग पोर्शन शुरू करेंगे तो वहां तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना ही है, ठीक है। चलो तो ओके तो ठीक है, हाँ चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत शुरुआत से, डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली जो इसके डेफिनेशन हैं कुछ कुछ चीजें हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, हार्मिशियन मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो हम लोग वहां तक कोशिश करेंगे पहुंचने की, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आइगन वैल्यूज आइगन फैक्टर्स पे जाएंगे। तो आज का जो क्लास है ऐसा नहीं कि आज से क्लास में कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं, आज से क्लास से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपको पीएफआर के एग्जाम में, जैम के भी एग्जाम में आए हुए हैं, और आपके जीआरएफ के एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक्स है ये सभी के लिए, जीआरएफ जैम पीएफआर जीएस जो भी आपका एग्जाम है सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सभी के लिए सिलेबस सेम है, कुछ भी ज्यादा आगे पीछे नहीं है। जैम में जितना पढ़ना उतना आपको जीआरएफ में पढ़ना है, उतना आपको पीएफआर के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो सबका सिलेबस सेम है, तो जीआरएफ वाले जैम वाले सभी लोग इसको अच्छे से करें, आपके लिए फायदेमंद है आपको, ठीक है। चलो तो हाँ, नरेंद्र प्रसन्न बोल रहे हैं कि वहां 48 डिग्री हो रखा है, कहां से आप बोल रहे हैं नरेंद्र प्रसन्न? नरेंद्र प्रसन्न कहां से बोल रहे हैं? हमारे यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है, काला बाहर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। चलो मैट्रिक्स है ना, तो देखो इसके डेफिनेशन आप सब जानते हैं, इट इज ए स्क्वायर और इट इज इसको बोलेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब आपका नंबर जो हो सकता है आपका स्केलर और कॉम्प्लेक्स, आपका ये दोनों आपका नंबर हो सकता है और फंक्शन, ठीक है। रेक्टेंगुलर रेंज जैसे एग्जांपल आपको पता है इस तरीके से, मान लो 1 2 3 4 5 6 आप ऐसा लिख दिए, या फिर आप ऐसा लिख दिए कि एक्स वाई जेड फिर एक्स प्लस वन वाई प्लस वन वाई माइनस वन वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ कुछ आप लिख दिए, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ भी रैंडम ने मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो इस तरह के जो आप नंबर्स का अरेंजमेंट करते हो या फिर फंक्शंस का अरेंजमेंट करते हो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना। आपको ये पता है आपको क्या हो गया, आप कहाँ पे रो हो गया, इधर से आपको रो हो गया, तो आप ये एक रो दो रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, इधर से आप क्या काम करते हो आप यहाँ पे कॉलम काउंट करते हो आप यहाँ पे, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसमें आप ऑर्डर बदलाते हो, मैट्रिक्स ऑर्डर दिखाते हो कैसे, आपका m इंटू n से दिखलाते हो, m आपका क्या हो गया नंबर ऑफ रोज हो गए, और n क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया आपको वहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, m इंटू n से आप दिखलाते हो यहाँ पे, ओके। इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं देखो, ये मैंने जैसे बताया मैट्रिक्स बिल्कुल एकदम साधारण सा चैप्टर है, बिल्कुल थ्योरेटिकल आपका है, हाँ, बट इसी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। एलिमेंट्स देखो आसानी एकदम मतलब आराम आराम से आप समझें, ए आई जे इसको हम क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, ओके। तो देखो अगर मैं यहां पे लिखूं कोई एक मैट्रिक्स आपका ऐसा हो गया, तो यहां लिखता हूं सपोज आई हैव सम मैट्रिक्स लाइक दिस, इस तरीके से, तो ये क्या आपका यहाँ पे जो आपका एलिमेंट होगा वो क्या आपका होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या लिखोगे ए वन वन, फिर यहाँ जो आपका एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का होगा, तो ए वन टू फिर ए वन थ्री और इस तरीके से करते करते ए वन एन आपका हो गया, ठीक है।
फिर यहाँ पे आपका जो एलिमेंट होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड रो एंड nth कॉलम इस तरीके से, और ऐसा करते करते आपका ये nth रो आ गया फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकेंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम और nth रो nth कॉलम आपका। तो इस तरीके से कुछ आप क्या करते हैं नंबर आप एक्सप्रेस करते हो मैट्रिक्स को, ठीक है। इसमें ये जो आपका हो गया, देखो ये जो आपका है, ये जो आपका है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ये जो आपका हो गया, ये जो आपका है इनको हम लोग बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर, इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ये जो आपको हो गए सिमिलरली आप बोलेंगे ये मेरा क्या हो गया कहां पे, ये मेरा हो गया आप कहां पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, दीज आर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, अपर एलिमेंट्स, लोअर एलिमेंट्स, ठीक है। हम लोग इंडिसेस की बात करें, आई जे की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के लिए मेरे पास आई इज इक्वल टू क्या आपका होता है, जे होता है। इसमें आप देख रहे हो इसमें जो आई इंडिसेस है वो आपका छोटा होता है जे इंडिसेस से, और इसमें आप देख रहे हो कि आई इंडिसेस जो आपका है वो क्या आपका है, जे इंडिसेस से बड़ा होता है। तो इस तरीके से कुछ आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है आपका एलिमेंट्स का, ठीक है। हाँ राजस्थान बोल रहे हैं नरेंद्र प्रसन्न, है ना। हाँ ठीक है चलो, तो आपका ये इस तरीके से आपका हो गया। हम लोग मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं सीधे सीधे आपके पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो कि इफ ए हैज ऑर्डर, मान लो एम इंटू एन, एक ऑर्डर क्या आपका है एम इंटू एन का है, एंड बी हैज ऑर्डर सपोज p इंटू क्यू, ठीक है। देन प्रोडक्ट जो आपका है ए बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए बी विल एग्जिस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स लिया हमने तो एक मैट्रिक्स को हम दूसरे मैट्रिक्स से हमेशा मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कंडीशन है उसके लिए यहाँ पे, क्या आपका कंडीशन आपका यहाँ पे कि विल एग्जिस्ट इफ, इफ आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, यानी एन इज इक्वल टू क्या आपका होगा पी होगा, ठीक है। तो जो भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होंगे तो आप बोलेंगे कि इनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड आपका जो होगा ए बी जो होगा कहां पे, ए बी आपके नया मैट्रिक्स बनेगा, ए बी विल हैव ऑर्डर, क्या ऑर्डर आपका आएगा तो एम इंटू क्यू का ऑर्डर आएगा, ठीक है। एन और कहाँ गया, एन और क्यू तब का, सॉरी एन और पी तब का चला गया, वहां पे एम बचा और यहाँ पे क्यू बचा, वहां पे इतना आपका ऑर्डर होगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है ना। इसमें देखो एक आपका क्वेश्चन, मैं छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं, और इसलिए कि ये क्वेश्चन मेरे से जब मैं बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है जब मैं उसके इंटरव्यू में गया था तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन नहीं था बट वही उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहीं पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, हम इसमें बात करेंगे कम्यूटेशन रिलेशंस की बात करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कम्यूटेशन रिलेशंस इज रिलेटेड टू व्हाट, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो अभी होल्ड करके हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ इफ ए इज इक्वल टू, आपको सपोज ऐसा दे रखा है 3-4 एंड 1-1, ठीक है आपका ए है, तो देन फाइंड ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन
एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में, बार्क के इंटरव्यू में मुंबई में, ठीक है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है छोटा सा है, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ए टू द पावर एन है, ए टू द पावर 100 हो सकता है, ए टू द पावर 200 हो सकता है, ए टू द पावर 500 हो सकता है, एन आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जिसमें हम पावर्स फाइंड करते हैं, अभी आपका जेस्ट के एग्जाम में भी आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, ए की पावर 100 आपका शायद निकालना था क्या कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है, हम लोग बनाएंगे उसमें, ठीक है। आपके असाइनमेंट में है क्वेश्चन ये वाला, 2020 में या फिर 2019 किसी में आपका आया हुआ था जेस्ट एग्जाम में, सब मैट्रिक्स दिया हुआ था आपका और उसका ए की पावर 100 या कुछ फाइंड करना था, ठीक है। तो ऐसे जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक, अभी हम लोग कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, हमारे पास कुछ भी नॉलेज नहीं है मैट्रिक्स का, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आप ए की पावर एन निकालना है तो आप ए स्क्वायर निकालो, फिर ए क्यूब निकालो, फिर ए की पावर 4 निकालो, ये तीन चार टर्म्स आप निकाल लो, फिर देखना कि इन सभी में क्या होगा, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी आपको वहां पे, इनके जो एलिमेंट्स होंगे उसमें कुछ पैटर्न मिलेगा आपको वहां पे, ठीक है। तो दो तीन निकाल लो, ए स्क्वायर निकाल लो, ए क्यूब निकाल लो, ए की पावर 4 निकाल लो, और फिर उनके पैटर्न्स को देख करके आप हेंस करके ए टू द पावर एन इतना होगा आप लिख देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारे लिए ये, और एक मिनट, बहुत जोर से गर्जन हो रही है, मैं भी डर जा रहा हूं। चलो ठीक है, बादल गरजता है तो डर लग जाता है ना, ठीक है। तो हाँ, मैं बता रहा था यहाँ पे कि ऐसे प्रॉब्लम में आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप ए स्क्वायर ए क्यूब निकालें और फिर देखें कि क्या पैटर्न बन रहा है, और दूसरा हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस तरीके से पावर्स जो बड़ा होगा उसको आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, तो अभी आप क्या करें कि ए स्क्वायर निकालें जल्दी से, मल्टीप्लाई करें, 3 - 4 - 1 - 1 और फिर 3 - 4 - 1 - 1, ठीक है। फटाफट बनाओ, देखो क्या आता है आपका रिजल्ट, सभी लोग अटेम्प्ट करो। ओके, देखो 3 जा आपके पास क्या हो गया, आपके यहाँ पे 9 और माइनस 4 ये कितना आ जाएगा, -4, तो 9 - 4 कितना हो गया, 5। ओके, फिर 3 - 12 हो गए, 3 - 4 - 12 और फिर -4 आप हो जाएंगे -8, गलत हो तो बताना, फिर 3 - 9 और -4 - 9 - 4 आप हो गए 5, ठीक है। फिर ये आप कैसे मल्टीप्लाई होगा, आई होप कि आप सभी लोगों को मल्टीप्लीकेशन आता है ना। हम इसे क्या करते हैं, जैसे रो लेते हैं, जैसे हम क्या लेते हैं कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपका फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मतलब सेकंड एलिमेंट, ठीक है। चलो तो 3 - 12 और -4 हो गए तो -8 हो गया आपको, तो यहाँ से 1 × 3 तो 3 - 1 कितना हो गया 2, फिर 1 × -4 फिर आपका हो गया ये -3 आपको हो गया, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्यूब लिख लो आप यहाँ पे, तो ए क्यूब तो इसको लिखो ए स्क्वायर इंटू ए, है ना, सो 5 - 8 and 2 - 3 और ए आपका हो गया यहाँ पे 3 - 4 and 1 - 1 आएगा, तो 5 - 15 and - 8 तो कितना हो जाएंगे 7, ये हो गया 7, फिर 5 - 20 हो गए और -1 + 8 आप हो गए -12, फिर 2 - 3 = 6 और -3, 2 - 3 = 6 - तब हो जाएंगे 3 और फिर -8 और +3 तब हो जाएंगे -8 + 3 तब हो जाएंगे -5, ठीक है। आप हो गए ए क्यूब, अब आप ए की पावर 4 लिखो, तो आपको ए स्क्वायर या फिर ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर ही कर लो ऐसा, या ए क्यूब इंटू ए कर लो, तो 5 - 8 and 2 - 3 और आप हो गए 5 - 8 and 2 - 3, ठीक है। ये कितना आएगा देखो, 5 - 5 = 25 और -8 तो 25 - 8 कितना आ जाएगा वहां पे 17, अच्छा सॉरी
5 5 25 16 16 9, ठीक है 9 हो गए। फिर 5 माइनस इट जा तो 40 हो गए और आपको हो गया 24, आप हो जाएंगे माइनस 16। फिर 2 5 10 और माइनस 6 आप हो जाएंगे 4 और फिर 2 माइनस 16 और प्लस 9, तो 16 प्लस 9 आपको कितना हो गया वहाँ पे -7, ठीक है। तो ये हमने ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब हमने निकाल लिया है ना। अब इतना करने के बाद आप इसमें देखो कुछ पैटर्न मिलता है क्या, ठीक है आप इसमें देखो कि क्या कुछ पैटर्न मिलता है क्या, इसमें पैटर्न मिलना चाहिए। अगर पैटर्न नहीं मिले इसके एलिमेंट्स में, इसके मल्टीप्लिकेशन में, ये जो आपको एलिमेंट्स हैं अगर इसमें पैटर्न ना मिले तो फिर हम इस मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय बचेगा जो हम आगे बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी जो फिलहाल इसमें पैटर्न मिलना चाहिए, देखो आपका ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो ए स्क्वायर में आप इस एलिमेंट के बारे में बात करो, ए स्क्वायर यहाँ पे कितना है 5, ए क्यूब यहाँ पे कितना आ गया 7, 3 है तो 7, यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। तो ए स्क्वायर मैंने 2 था तो यहाँ पे 5, 3 था तो यहाँ पे 7, 4 था तो यहाँ पे 9। तो आप इसको देख के बोल सकते हो इस एलिमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n+1 लिख सकता हूँ, ऐसे कुछ आ रहा है ना 2n+1, हाँ 2n क्या है आपका पावर, तो 2 जा 4 + 1, ठीक है 5, फिर 2 जा 6 + 1 7, 2 4 जा 8 + 1 आपका इतना आ गया, ठीक है ये तब का हो गया है ना। उसके बाद देखो ये एलिमेंट देखो ये वाला नहीं सॉरी यहाँ पे आप हो गए 2, यहाँ पे कितना आपके हैं 3, यहाँ पे कितना आपके 4, तो 2 है तो यहाँ भी 2, पावर 3 है तो यहाँ भी 3, पावर 4 है तो यहाँ भी कितना आपके 4 हो गए। तो अगर पावर n है तो यहाँ पे कितना आपको हो गए n हो गए, ठीक है। अब इस एलिमेंट के बारे में बताओ, इस एलिमेंट के बारे में बताओ कितना होगा ए स्क्वायर फिर -8 -12 और -16, ठीक है। तो 2 है तो -8, 3 है तो -12, 4 है तो -16, तो आपको ये समझ में आ गया कितना आपका है 4n-4n। और फाइनली लास्ट आप ये बताओ 2n-3 आपको आ रहे हैं यहाँ पे कितना आपका है -5, तो आपका कितना आ जाएगा 2n+1 का तो -2n-1 आपका आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। है ना, तो अभी फिलहाल के लिए आपका ये, तो ये आपका जैसे मैंने बताया कि ये आपका तभी सक्सेसफुल होगा जब इसके एलिमेंट्स में क्या पाएंगे कुछ पैटर्न मिलेंगे। रैंडम आ गया ऐसा कुछ भी आ गया, एक क्यूब कुछ भी आ गया, कि बाफर कुछ भी आ गया, हम फिर इससे नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हमारे लिए बेस्ट मेथड क्या होगा, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो अभी तो कुछ है नहीं इस पूरे चैप्टर में, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक आप नोट लिखो, आप यहाँ पे एक आप नोट लिखो कि इफ मान लो कि आप प्रोडक्ट निकालते हो, मल्टीप्लाई करते हो ए बी और बी ए, बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा बराबर हो, ए बी और बी ए बराबर हो हमेशा जरूरी नहीं है। तो अगर ए बी और बी ए बराबर होते हैं तो देन ए एंड बी आर सेट टू कम्यूट ईच अदर, सेट टू कम्यूट ईच अदर, या फिर ए और बी को हम बोलते हैं कम्यूटिंग मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड है कम्यूट होना, तो अगर ए बी और बी ए बराबर हैं तो हम इसको बोलते हैं कम्यूटिंग मैट्रिसेस। और इन सिंबॉलिक फॉर्म में इसको आपको पता है कैसे लिखते हो, इन सिंबॉलिक फॉर्म में इसको आप इस तरीके से लिखते हो ए बी एंड इट इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ठीक है। सो इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी कम्यूट, या फिर ऐसे लिखते यहाँ पे हियर जो आपका ये जो आपका ब्रैकेट है इज, इसको हम बोलते हैं क्या कम्यूटेटर ब्रैकेट, दिस वन इज माय कम्यूटेटर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बहुत जगह यूज होता है, एक सिंपल ब्रैकेट भी आपका ये है, ये आपका जो आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आपका बनाता है बताता है,
और आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट भी आपका है। तो जब तक एग्जाम में आपको इस ब्रैकेट के बारे में ना लिखा रहे, आप अपने मन से कुछ भी नहीं मानेंगे, अपने मन से आप सिर्फ इसको सिंपल ब्रैकेट मानेंगे जब तक कि इस ब्रैकेट के बारे में मेंशन ना किया हो। ठीक है, चलो। तो इफ ए एंड बी कम्यूट, अगर ए और बी कम्यूट कर रहे हैं तो आप लिख दो इनका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट हो कितना होगा, जीरो होगा, एंड दैट इज ए बी माइनस बी ए इक्वल टू क्या पहुंच जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये होता है कम्यूट करना। ओके, फोर्थ एलिमेंट को फिर से चेक करना है। अच्छा, यहां पे ये वाला गलत हो गया, ए स्क्वायर था कितना हो गया माइनस वन, माइनस थ्री, ए क्यूब है तो आपको माइनस फाइव। अच्छा, तो माइनस टू एन प्लस वन होगा लगता है ऐसा, फिर है ना, माइनस टू एन प्लस वन, अब सही है, माइनस टू एन प्लस वन, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ, थैंक यू। तो ये आपका हो गया क्या, कम्यूटेटर ब्रैकेट का मतलब। अब हम बात करते हैं इसके फिजिक्स की बात करते हैं, इसके फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, कि दो मैट्रिक्स अगर, या फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिर फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं, कि अगर दो मैट्रिक्स कम्यूट कर रहे हैं तो इसका फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हम जोड़ के देखेंगे इसको हम लोग। तो क्वांटम मैकेनिक्स आपको पता है कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है, जो माइक्रो एटॉमिक लेवल की जो दुनिया होती है, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नया फिजिक्स हमारे पास है, जो हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि वहां पे न्यूटन्स का लॉज और या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी लॉज हैं वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं एटॉमिक लेवल पे या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जिसको क्लासिकल डायनामिक्स हम इसको बोलते हैं क्या, डायनामिक्स बोलते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, उसी जैसे हम लोग वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, आपके फोर्स, जो भी चीज आपको है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जो भी आपको है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल्स। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होता है कि वेव फंक्शन भी होता है, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग क्वांटम पढ़ेंगे उस समय। ऑब्जर्वेबल्स मेरे पास है, यहाँ मेरे पास क्या है, वेव फंक्शन भी है। वेव फंक्शन के बारे में आपको पता है कि ये वेव फंक्शन किसी पार्टिकल का जो होता है उसमें, उस वेव फंक्शन में उस पार्टिकल के बारे में सारे इंफॉर्मेशन कंटेंट होते हैं, उनके अंदर सारा इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं वेव फंक्शन, क्या बोलते हैं हम लोग, कि इट्स अ मैथमेटिकल, एक मिनट, मैं भी डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, बहुत जोर जोर से गरज रहा है। ठीक है, वीडियोस तो आ रहे हैं ना, सही। हाँ, तो वेव फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या मैसेज कर रहा है सर, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी तो कम्युनिकेशन होता है आपका, पोजीशन ब्रैकेट। हाँ, ठीक है, तो वेव फंक्शन के बारे में हम क्या बोलते हैं कि वेव फंक्शन इज जस्ट ए मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, विच कंटेंस एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, विच कंटेंस एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो अगर मान लो किसी पार्टिकल का, कोई भी आपका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी आपका है, उसका वेव फंक्शन मेरे पास क्या, मान लो साई है। ठीक है, और मुझे जानना है कि इस पार्टिकल का जो है पी एक्स मीन्स इसका एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, मुझे जानना है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, कि ये जब का ऑब्जर्वेबल है तो हर एक ऑब्जर्वेबल का कॉरस्पॉन्डिंग क्या आपका होता है, एक ऑपरेटर आपका होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आपका होता है, एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इस पार्टिकल का अगर मुझे एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जानना होगा तो मैं इसके ऑपरेटर से मैं क्या करूंगा, इस पे ऑपरेट कराऊंगा, इसके वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराऊंगा, पी एक्स कैप। ये क्या आपका है, सिंबॉलिक फॉर्म है, ऑपरेटर का सिंबॉलिक फॉर्म है। साई पे मैं ऑपरेट करा रहा हूँ, तो ये जो रिजल्ट आएगा मेरे पास हमेशा ये इसी फॉर्म में आपका आता है, हमेशा क्या आपका आएगा, इसी फॉर्म में आपका आएगा, लेमडा इंटू साई के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये फीचर है आपका यहाँ पे। तो ये जो मेरा रिजल्ट आया इसी को हम क्या बोलते हैं,
रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, ये जो आपका लैम्डा आया इसको बोलते हैं रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। मीन्स जिस वक्त हम मेजरमेंट कर रहे थे उस वक्त उस पार्टिकल का जो एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम हो कहां क्या है, कहां पे लैम्डा है, इट्स ए स्केलर वैल्यू, ठीक है, हमेशा रियल होगा, इट्स ए स्केलर वैल्यू हमेशा रियल होगा, ठीक है। और ये जो आपका हो गया, ये आपका साई क्या आपका हो गया, उस पार्टिकल का स्टेट हो गया, जिस वक्त हम मेजर कर रहे थे उस वक्त वो पार्टिकल कहां था, तो इसे साई स्टेट में था कहां पे, ठीक है, ये आपका हो गया। इसी को हम आगे जाके क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोलेंगे, है ना। अब आगे फिर क्या आपका आया, ब्रैकेट अलजेब्रा आपका आया, ठीक है, फिर आगे क्या आपका आया, मैट्रिक्स आपका जो नोटेशन आया आप कहां पे, उसमें हमने क्या किया कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल उनको हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ठीक है, इनको हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, मान लो का मैट्रिक्स ए ऐसा कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। वेव फंक्शन को हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हमने यहाँ पे, हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में भी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल्स थे उनके ऑपरेटर्स को हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स फॉर्म में ऑपरेट कराया, अब मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब मान लो क्या कि मेरे पास दो ऑब्जर्वेबल्स हैं ए और बी, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या आपके पास है, बी कैप और ए कैप, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स क्या है मेरे पास, ए कैप और बी कैप है मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ए और बी क्या कर रहे हैं, कहां पे कम्यूट कर रहे हैं, कि ए और बी जो दो ऑपरेटर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स, इफ दे कम्यूट, इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों ऑब्जर्वेबल्स को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं एक साथ। जिस वक्त हम ए मेजरमेंट कर रहे हैं उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, बी को भी मेजर कर सकते हैं। और इसका फिर से मतलब क्या हो गया कि ए और बी के मेजरमेंट में कोई भी अनसर्टेनिटी रिलेशन नहीं होंगे, कोई भी अनसर्टेनिटी रिलेशन आपके नहीं होंगे, ठीक है। और इसका मतलब फिर से क्या आपका होता है कि ए और बी को हम साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, डायगोनलाइज कर सकते हैं, है ना। और इन सबका मीनिंग क्या है तो हम लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम समझेंगे इसके बारे में। अभी मोटा मोटी बात यह है कि मैंने बोला यहाँ पे कि अगर दो मैट्रिक्स कम्यूट कर रहे हैं उसका क्वांटम मैकेनिज्म क्या आपका है, तो दो मैट्रिक्स दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स, इफ दे कम्यूट इट मीन्स वो दोनों ऑब्जर्वेबल्स एक साथ साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया कि उनमें कोई भी अनसर्टेनिटी रिलेशन नहीं होंगे, ये होता है कम्यूट करने का मतलब, ठीक है, ये होता है कम्यूट करने का मतलब, ओके चलो। तो ये इसका फिजिक्स हो गया, फिजिकल मीनिंग, है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं कि इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑब्जर्वेबल, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है। सो इफ ए कैप and B cap are two matrices corresponding to observables या फिर corresponding to operators A and B, then their commutation relation is given as, आप कैसे लिखते हो, ए कैप बी कैप, इस तरीके से आप लिख रहे हो, ये मतलब हो गया ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ठीक है, ये हो गया। सो इफ ए एंड बी कम्यूट, इसका मतलब क्या हो गया कि ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप, अगर ये कम्यूट करते हैं देन इट मीन्स ए एंड बी ऑब्जर्वेबल्स जो आपको ए और बी हैं, कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, इनको हम एक साथ मेजर कर सकते हैं। और इट मीन्स, इसका मतलब और भी आप कहां पे है कि देर इज नो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी, या फिर और बोल सकते हैं कि ए एंड बी can be diagonalized simultaneously, ठीक है। तो
तो ये मतलब होता है क्या करने का, कम्यूट करने का ये मतलब होता है ना। अब इसका हम लोग आगे क्वांटम मैकेनिक्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, जब हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो डायगोनल साइमल्टेनियसली लिखा है मैंने यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट, इसको हम लोग मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से हम लोग एक साथ डायगोनलाइज कर पा रहे हैं जब दो मैट्रिक्स क्या आपको है कम्यूट कर रहे हैं। और प्लस हम ये भी समझेंगे कि डायगोनलाइज करना ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया हमारे लिए, किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज, किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, ठीक है। तो देखो एज फॉर एग्जाम्पल आपको पता है यहाँ पे कि मान लो एक्स और पी एक्स, ठीक है, एक्स इज एक्स कॉम एक्स पोजिशन और पी एक्स इज एक्स कॉम्पोनेंट हो गया आपका, पे ये लोग कम्यूट नहीं करते हैं, आई एच क्रॉस आपका आता है, इनका कमर्शियल रिलेशन कितना आपका आता है आई एच क्रॉस। और तब आपको पता है देखो यहाँ पे कि ए डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या आपका होता है एच क्रॉस बाय टू, या फिर इसे के साथ लिख दो ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस ऐसा होता है। इनके बीच में क्या आपका है अनसर्टेनिटी रिलेशन आपका यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि वाई और पी एक्स ये क्या कर सकते हैं आपको कम्यूट करते हैं, कम्यूट करते हैं मीन्स किसी पार्टिकल का वाई पोजिशन और उसका एक्स कॉम्पोनेंट जो आपका है उन दोनों का क्या कर सकते हैं साइमल्टेनियसली मेजरमेंट कर सकते हैं, एक साथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा यहाँ पे कि आप बताएंगे यहाँ पे कि क्यों हम लोग जैसे मान लो यहीं पे बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स और पी एक्स हम एक साथ क्यों मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसका जब होगा ठीक है क्यों ऐसा हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, और कुछ क्वांटिटी जो हम क्या कर रहे हैं एक साथ मेजरमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप समझेंगे इसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो देखो क्वांटम पढ़ने में बहुत मजा आएगा फिर उसके बाद। जैसे आप मान लो जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड की बात करें तो हम मान लो कि स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिस वक्त हम नहा रहे हैं उस वक्त हम खाना नहीं खा सकते हैं, है ना। ये दोनों काम जो है नहाना और खाना खाना एक साथ है, एक साथ नहीं होगा आप कहाँ पे, जब भी होगा तो अलग होगा, हम पहले नहाएंगे फिर खाना खाएंगे या फिर पहले खाना खा के फिर तब नहाएंगे हम लोग, एक साथ ऐसे बाथरूम में लेकर हम लोग खाना घुस गए हैं, खा भी रहे हैं नहा भी रहे हैं, ऐसा लोग नहीं करते हैं, है ना। यही बात यहाँ पे हो गई यहाँ पे कि मेजरमेंट हम एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो वजह होगा, ठीक है। तो ये सारा हमने आपको कहानी समझाई किसके लिए, कम्यूट करने के लिए हमने ये कहानी आपको समझाई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कि इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए अगर आपका होता है तो देन ए एंड बी आर सेट टू एंटी कम्यूट, सेट टू एंटी कम्यूट, ठीक है। और सिंबॉलिक फॉर्म में इसको आप क्या दिखाते हो, इस तरीके से आप दिखाते हो ए बी और इसका होता है ए बी प्लस बी ए, है ना। और ये आपका जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट, ठीक है। तो एंटी कम्यूट ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एंटी कम्यूट, है ना। तो कम्यूट होने का फिजिकल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, क्या कोई बता सकता है कि एंटी कम्यूट होने का क्या फिजिकल मीनिंग होगा, फिर इसका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। क्या किसी को है आइडिया कुछ भी थोड़ा सा, कम्यूट तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग जान भी रहे होंगे इस तरीके से, क्या एंटी कम्यूट होने का भी आप फिजिकल मीनिंग जानते हैं, एनीवन। एंटी कम्यूट का भी आप जानते हैं फिजिकल मीनिंग, किसी को पता है तो बताओ। नहीं तो देखो ये जो है मैं बस थोड़ा सा मीनिंग आपको ऐसे बता दूं यहाँ पे कि जो जो सारी कहानी आपने पढ़ी इसके लिए कम्यूटेशन में, ये सब किसके लिए आपको होते हैं बोसोनिक पार्टिकल्स के लिए होते हैं, बोसोनिक पार्टिकल्स के लिए होते हैं, ठीक है। आप बताओगे बोसोन फॉर्म्यूल्स क्या क्या होते हैं, नहीं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी आएगा मौका तो।
तो बोसोनिक पार्टिकल्स, ठीक है, तो बोसोनिक पार्टिकल्स के लिए जो रोल आपको कम्यूटेशन ब्रैकेट या कम्यूटेटर आपको प्ले करते हैं, वही सेम रोल आपका एंटी कम्यूटेटर प्ले करता है फर्मियोन्स के लिए, ठीक है। तो कम्यूटेटर रिलेशंस जो रोल प्ले करता है बोसोन्स के लिए, बोसोनिक पार्टिकल्स के लिए, द सेम रोल इज प्लेड बाय दिस एंटी कम्यूटेटर फॉर फर्मियोन्स, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये आप एक थोड़ा सा मैंने हिंट आपको कर दिया यहाँ पे, ओके। चलो तो अब देखो, ये जो हमने अभी यहां तक पढ़ा, अब इसमें से हमारे पास जीआरएफ के एग्जाम में और टीएफआर के एग्जाम में दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको जो मैंने असाइनमेंट सेंड किया है आप वो निकालें असाइनमेंट, और उसमें आप देखें असाइनमेंट में, एक बार मुझे निकालने दो असाइनमेंट, आप सभी लोगों के पास है, आप असाइनमेंट निकालें। और सीएसआईआर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखो सीएसआईआर का क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, जीआरएफ का क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट में, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आपके पास तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए 0-1, 0-1, 0-0 और 0-0-0, ए आपको हो गए। फिर बी आपका मैट्रिक्स दे रखा है 0-0-1, 0-0-0, 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 आपको ये दे रखा है, और सी आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है ना 0-0-0, 0-0-1, और फिर आपको हो गया ये 0-0-0, आपको ये सी एक मैट्रिक्स दे रखा है वहां पे, ठीक है। ये आपका 2014 का क्वेश्चन आप वहां पे है। अब आपसे क्या पूछ रखा है कि आपका आंसर कौन सा, मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 आपका आंसर डी है इसका, हाँ आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो सही है, आप कहाँ पे है, तो ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू 0-0 मीन्स नल मैट्रिक्स, और सी ए इज इक्वल टू बी, आपका ये आंसर सही है। बाकी ए बी सी सब भी आपको इसी फॉर्मेट में दे रखे हैं, ठीक है, है ना, ये आपका ऐसा हो गया। तो अब आप बना सकते हैं इसको, सभी में ए बी बी सी और सी यही दे रखे हैं, इधर राइट हैंड साइड के ऑप्शंस अलग अलग आपके पास हैं, है ना। तो आप ए बी कम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए हो गया, ठीक है। आपको ए पता है, बी पता है, आप यहाँ पे रखें इस तरीके से, फिर मल्टीप्लाई अप्लाई करें, देखो क्या आपका रिजल्ट आता है आप यहाँ पे, ठीक है। उसी से आपका बी सी, तो बी सी तो आपको ये बी सी माइनस सी ए, आपको बी और सी आपको पता है, मल्टीप्लाई करें, देखो क्या आपका रिजल्ट आता है। तो इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपको मल्टीप्लाई करना था सही तरीके से, आपका आंसर आ जाता है, 3.5 मार्क्स आपको मिल जाता है आसानी से, ठीक है। जीआरएफ का क्वेश्चन आपका ये हो गया, ओके। चलो देखो, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नॉट मेजर साइमल्टेनियसली, तो ठीक है, अगर मेजर एक साथ मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अलग अलग मेजरमेंट कर रहे हैं, फिर उसका मतलब ये नहीं होता कि एंटी कम्यूट कर रहा है, इसको नहीं बोलते हैं ऐसा हम लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना कि अगर साइमल्टेनियस मेजर कर पा रहे हैं तो कम्यूट करेगा, साइमल्टेनियस मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एंटी कम्यूट करेगा, ऐसा नहीं होता है आपका, ठीक है। वैसे तो फिर कोई भी मैट्रिक्स छोटे दो मैट्रिक्स आप लेते हमेशा, अगर कम्यूट नहीं करा तो फिर एंटी कम्यूट करता, ऐसा होता फिर, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो कहानी बताई बोसोनिक और फर्मियोनिक वाला, तो वहां पे आपका है बॉन्ड स्टेट सिस्टम से रिलेटेड होता है, वहां पे क्लेन गॉर्डन इक्वेशंस आपको होते हैं, जो आप हायर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशंस आपको होते हैं, तो ये सब थोड़ी सी अलग बातें हैं आपको, ठीक है। चलो ये नहीं दिमाग में रखना कि कम्यूट नहीं कर रहा तो फिर एंटी कम्यूट करेगा, ऐसा नहीं, वो नहीं। चलो तो ये बन जाएगा आपसे, कुछ भी नहीं करना है, ए बी बी सी आप मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट आ गया साथ में, ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक टी आई एफ आर का क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर आपका है 51, आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 51 देखो टी आई एफ आर का, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये तो बस मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें आ जाओ, इस वाले में 51 में सभी लोग आ जाओ, 51 आप बनाएंगे, आप क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप उसको बनाना स्टार्ट कर दें, और जिनके पास असाइनमेंट नहीं है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन,
कि डिनोट द कम्यूटेटर ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ये तो ठीक है, एंटी कम्यूटेटर बाय इतना ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, आपको ये ए बी इज इक्वल टू जीरो मीन्स ए और बी दे आर एंटी कम्यूटिंग, है ना। सो आपको है कि वी कैन राइट आपका है ए और बी सी, ये कितना हम लिख सकते हैं, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो नरेंद्र प्रसन्न क्या बोल रहे हैं कि द वे आई थिंक अबाउट देम इज बाय लिंकिंग देम टू मल्टी पार्टिकल स्टेट्स, वी वांट अ नेगेटिव साइन टू शो अप व्हेन यू फ्लिप टू पार्टिकल्स फॉर फर्मियंस, सो वी शुड थिंक ऑफ एंटी कम्यूटेशन, ठीक है। चलो अच्छी बात, आपका नॉलेज है तो अच्छी बात है। ओके, ए कोमा बी सी को आप कितना लिखोगे, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। देखो आपको एक चीज पता होगा क्वांटम मैकेनिक्स से कि जब भी आप इस तरह से चीजों को करते हो पी क्यू आर, आपके पास ऐसे तीन एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर, तो जब इसको आप ओपन करते हो तो कैसे ओपन करते हो, तो क्यू आपका लेफ्ट में है तो आपका लेफ्ट में आपका ये बाहर आएगा और आपका क्या बचेगा पी आर, और फिर प्लस आपका ये आर जहां पे दो मल्टीप्लाइड है आपका ये आर अब बाहर आएगा और क्या बचेगा, बचा की पी क्यू बचेंगे आपके पास पी क्यू, ठीक है, ये आपका बच जाएगा यहाँ पे ऐसा, ये आपका रूल होता है इस तरीके से, जब भी हो तो आप इसको ओपन करते हो इस तरीके से, है ना। चलो यहां देखो कुछ ऐसे ही आपको दे रखा है, तो इसको देखते ही आप क्या करोगे, इसको पहले तो ओपन करो, यहाँ पे बी और ए सी प्लस आपको हो जाएंगे ये ए बी, ए बी आप हो गए सी, ठीक है। अब आगे आपको इससे पता है ए सी क्या लिखोगे, ए सी माइनस सी ए, और फिर यहाँ पे आपके पास हो गए ए बी, तो ए बी माइनस बी ए और इंटू सी, मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो ये कितना आ गया बी ए सी, ये आपका हो गया माइनस बी सी ए, ये आपका हो गया कितना ए बी सी माइनस बी ए सी, कुछ कटा क्या, देखो तो बी ए सी बी ए सी, देखो आपको कैंसिल हो गया आपका बी ए सी और बी ए सी, तो आपको हो गया माइनस बी सी ए और प्लस ए बी सी, ठीक है। अब इन हम क्या कर सकते हैं, देखो अब मेरे पास एक जो रिलेशन दिया हुआ था आपका, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, हम उसे यूज करते हैं यहाँ पे, तो सिंस मेरे पास एंटी कम्यूटेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू आपको क्या है जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है। सो देयरफॉर आपका जो ए बी है इसको आप लिखो माइनस बी सी ए, और ए बी का सब क्या यहाँ पे माइनस बी ए आप हो गया सी, ठीक है, तो आपका हो गया कितना माइनस बी माइनस बी आप कॉमन कर लो यहाँ पे, यहाँ क्या बच गया यहाँ पे सी ए माइनस ए सी, ठीक है, या फिर आप माइनस ठीक है सी ए प्लस ए सी हो गया, ये कितना हो गया आपका यहाँ पे माइनस ऑफ बी और आप हो गया एंटी कम्यूटेशन ऑफ कितना आपका हो गया ए सी, ये आपका रिजल्ट हो गया, देखो है ना। तो माइनस बी और आपका ए और सी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया, आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। कुछ पूछना है, चलो एक क्वेश्चन और देखो, आपका आईआईटी जैम का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आईआईटी जैम में क्वेश्चन नंबर थ्री आपका असाइनमेंट में देखो, जैम का क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, जल्दी से आ जाओ सभी लोग उस पर, अगर उसमें कुछ पूछना है
तो मेरे हिसाब से तो कुछ पूछना नहीं होगा, क्योंकि तो कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, जस्ट आप मैथमेटिक्स के तरह इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। ओके, आईटी जैम में क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ जाएं। क्या आपको दे रखा है, देखो ये आपको हो गया एक्स वाई, उसके बाद इधर आपके पास है 5 - 7 और फिर 7 और 3, और इधर आपके पास हो गया फिर एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास है 15 इज इक्वल टू 15। ठीक है, चलो बताओ, सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करो फटाफट। क्या है, द मैट्रिक्स इक्वेशन अबव रिप्रेजेंट्स ए सर्कल ऑफ रेडियस रूट अंडर 15, बी ऑप्शन है एन एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस रूट अंडर 5, सी ऑप्शन आपके पास एन एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस 5, और डी ऑप्शन आपके पास हाइपरबोला है, डी ऑप्शन आपके पास है हाइपरबोला। चलो जल्दी से बताओ सभी लोग, आंसर, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। इसका आंसर बताएं इसका, एनीवन? चलो मैं तब तक सॉल्व करता हूं, आपसे आंसर आ जाए तो बता देना, ठीक है, बनना चाहिए आपसे सभी लोगों से। मल्टीप्लाई करो, इसमें एक रो और दो कॉलम के पास है, तो एक्स हो जाएंगे 5x + 7y, फिर आपका खत्म है ना, फिर इसको आप सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो -7x + 3y, बस यही हो गया आपके पास, और हो गए एक्स वाई इज इक्वल टू आपको 15 दे रखे हैं। फिर अब इसको इसे मल्टीप्लाई करो, तो 5x + 7y कितना हो गया, सो 5x² + 7xy, फिर प्लस ये आपका हो जाएगा, तो -7xy और +3y² = 15, हो गया है ना। तो देखो ये 5x² + 3y² और ये तो कट गया आपका 7x कट गया, इक्वल टू कितना का हो गया 15, ये तो आ गया आपका यहाँ पे x², इसको डिवाइड कर दो तो 3 + y² / 5 = 0, है ना। क्या आपका आ रहा है, एलिप्स, अभी तक किसी ने आंसर नहीं बताया, क्या आपका ये एलिप्स है आपका, x² / a² / y² / b² = 1, तो अगर a > 1 आपका होता है तो एलिप्स कैसा बनता है कहाँ पे, ऐसा बनता है आपका एलिप्स, ये आपका होता है, ये आपका मेजर एक्सिस हो गया आपका ए वाला, और अगर a > b आपका हो गया, और अगर b > a अगर आपका हो गया तो ये कैसा बनता है कहाँ पे, ऐसा बनता कहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मेजर एक्सिस कौन सा आपका हो गया, ये वाला है ना, √5 मेजर एक्सिस, क्योंकि स्क्वायर है तो √5 का रूट स्क्वायर करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। चलो तो हाँ, एन एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस रूट अंडर 5, ठीक है, तो आंसर क्या आपका हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, चलो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत छोटा छोटा आपका इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या थ्योरी ही है पूरा आपका, और लेकिन क्वेश्चंस आपको यहीं से आप आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे आप निकालते हो, तो ट्रांसपोज इज ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग
रोज विथ कॉलम्स, है ना। तो मान लो आपके पास ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज ऐसे लिखोगे तो जो पहले रो था वो कॉलम बन जाएगा। तो आपका ये 1, 2, 3 आपका फर्स्ट रो था, तो 1, 2, 3 आपका फर्स्ट कॉलम बन गया, 4, 5, 6 आपका सेकेंड रो था, अब आपका सेकेंड कॉलम बन गया, और 7, 8, 9 आपका थर्ड रो था, अब ये थर्ड कॉलम बन गया। ट्रांसपोज जस्ट आपको इंटरचेंज करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खत्म। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको ऐसा देखो कि ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, वहां पे ए ही मिलेगा। हम लोग कोई प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करेंगे, हमें प्रूफ से मतलब नहीं है। उसके बाद देखो ए प्लस बी ट्रांसपोज अगर करते हो, इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर आपका होता है, इसको बोलते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, आप इसको याद रखेंगे। और आपका ये के इंटू ए हो गया आपका ट्रांसपोज, के आपका क्या है स्केलर नंबर, कोई भी आपका नंबर है आपका, ये के तब का एजिटिज बाहर हो गया और क्या कहोगे ए ट्रांसपोज हो गया, ए ट्रांसपोज के बारे में आपका हो गया, है ना। हाँ अभी आंसर बतला रहे हैं सभी लोग, बी बी नंबर, फास्ट करेंगे फास्ट, ठीक है। ये ट्रांसपोज के बारे में, देखो हम लोग आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स ऑफ सिमेट्रिक बोलते हो स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आपका होता है ए होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइन, स्क्वायर मैट्रिक्स देखो हम लोग जितना भी ये सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं सब कुछ वैलिड है किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है आपका यहाँ पे, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए आई जे इनका जो एलिमेंट्स होगा, ए आई जे एलिमेंट्स ऑफ आई एथ रो एंड जेथ कॉलम ए के लिए, उसे जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा कहाँ पे ए जी आई हो जाएगा, आई जे आपका जी आई हो जाएगा। जैसे मान लो इसकी बात करो, इसकी ये कहाँ पे था, आप कहाँ पे अभी ये क्या था, कहाँ पे ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ए 1, 3, है ना। जब उसको आपने ट्रांसपोज किया अब ये क्या हो जाएगा ए 3, 1, ये कहाँ चला जाएगा वहां पे ए 3, 1 पे चला जाएगा। देखो तो है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आपका आ गया है ना। तो ए आई जे इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो गया ए जी आई, तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे सेम होंगे। जैसे यहाँ पे आपका ए 1, 3 और ए 3, 1 दोनों क्या हो गए सेम हो गया, ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, है ना। एग्जाम्पल देखो ऐसा मान लो कोई आपका मैथमेटिक्स हो गया, ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 1, 2 यहाँ आपको -2 फिर 3 तो आप हो गए -3 नहीं आपको 3 हो गए, फिर 0 और आप हो गए 4 तो आप हो गए 4 और आप हो गए -1 ऐसा, ठीक है। ये क्या आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका, ये क्या आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको आप देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है तो इसके अबाउट ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट क्या है सिमिलर है सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि एलिमेंट्स आर मिरर इमेज, एलिमेंट्स आर मिरर इमेज अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जैसे एलिमेंट्स हैं सेम आपको यहाँ पे भी दिखाई दे, नीचे भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात है आप यहाँ पे, मान लो कि इफ ए इज एन बाय एन स्क्वायर मैट्रिक्स, एन बाय एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, देखो तो टोटल एलिमेंट्स कितना आपका हो जाएगा, टोटल एलिमेंट एन स्क्वायर, है ना, एन बाय एन तो एन स्क्वायर
इसमें से यहाँ पे क्या होंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे n एलिमेंट्स होंगे, बचेंगे जो उसमें से आधे ऊपर होंगे और आधे क्या होंगे नीचे होंगे आप कहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप कहाँ पे। तो बचा कितना n स्क्वायर माइनस n बचा, उसमें से आधे ऊपर हो गए और तब आधे क्या हो गए नीचे हो गए। तो इस तरीके से क्या आपका है एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी मैट्रिक्स में, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है आपको पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, आपसे ये पूछा जाता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो बताओ इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे। इंडिपेंडेंट मीन्स क्या, जिस एलिमेंट का किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ये चीज है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट कि इसका किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ओके चलो बताओ तो कितने होंगे ऐसे एलिमेंट, तो ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ये तो कंप्लीटली क्या आपका है इंडिपेंडेंट है ना, लेकिन अपर ट्रायंगुलर अपर वाले एलिमेंट्स और लोअर वाले एलिमेंट्स ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो इसका मतलब क्या कि यहाँ भी मुझे 3 लिखना ही होगा हर हाल में। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना ही होगा, अगर यहाँ पे मैंने 4 लिखा है तो यहाँ पे मेरा हर हाल में 4 ही आएगा मेरा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या करना है मुझे यहाँ पे ए करना है मुझे यहाँ पे ए। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अपर में आपने जो एलिमेंट्स पुट किया अब आपका बाउंडेशन हो गया कि आप लोअर में भी वही एलिमेंट्स पुट करेंगे, आप अपने मन से कोई दूसरा एलिमेंट पुट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर रिवर्स बोल सकते हैं कि आपने लोअर में जो एलिमेंट्स पुट किया तो आपको बाउंडेशन हो गया कि आप अपर में भी वही एलिमेंट्स पुट करेंगे, है ना। तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कौन हुए आपके यहाँ पे, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपका इंडिपेंडेंट रहा, कोई मतलब नहीं किसी से, और अपर वाला फिर लोअर वाला कोई भी एक है, अगर इसको पुट करते हो तो आपको वही पुट करना पड़ेगा यहाँ भी, या फिर पहले इसको पुट करते हो तो आपको वही पुट करना पड़ेगा यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स और इसका जो अपर या फिर लोअर जो भी आपका है वो आपका आएगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। ठीक है, एन, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं एन, तो एन नहीं, ठीक है, ये क्या आपका होगा, सो नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ नहीं, इसमें क्या आएगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स प्लस अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ये दोनों आपको क्या हो गए इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हो गए। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल में, एन एलिमेंट्स प्लस अपर और लोअर में कितना आपको एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना पाएगा एन एन प्लस वन बाय टू आपका आएगा। तो अगर एन बाय एन का आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी यही एलिमेंट्स दूसरे पोजिशन पे होंगे डिपेंडेंट। ठीक है, चलो एक नोट लिखो आप यहां पे, एक नोट लिखो, मुझे नहीं लगता कुछ पूछना अभी आप लोगों को, है ना, कोई डाउट तो है नहीं, कुछ बड़ा चीज तो हम लोग अभी देखे नहीं है और इसमें पूरे मैट्रिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा हो। हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैं भी वहां पे कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगा अलग से,
बट थ्योरी में आपका ऐसा कुछ भी आपका नहीं है, और पूरा मैट्रिक्स आपका ऐसे ही चलेगा आपका, सिंपल इसी तरीके से चलेगा आपका, और क्वेश्चंस भी आपको इसी में से आते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी इसके क्वेश्चंस आए एग्जाम में, तो आप कंफर्म है कि आप इसको बना पाएंगे, मतलब आपका वो मार्क्स फिक्स है। एक नोट लिखो कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऐसा लिखो कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए इंटू बी जब का है विल बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। ओके, तो ये आपका एक प्रॉपर्टी भी है, आपका एक प्रॉब्लम भी समझ लो, और ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, किस एग्जाम में आप आएंगे, आपके जैम एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल वाले, उसमें आपको ऐसे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, देखो उसको आप बड़े आसानी से प्रूफ भी कर सकते हो कि ए और बी क्या आपके पास हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो आपको गिवन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आपको है, बी है, है ना। तो ए बी जो है, ए बी विल बी सिमेट्रिक, ए बी आपका सिमेट्रिक होगा। तो अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ का आपका जो ए बी है कि आपका है सिमेट्रिक है, है ना। तो देखो ए बी का ट्रांसपोज, तो क्या आपका होगा, इसको ब्रेक करोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ओके। और बी ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आपका है, बी है, और ए ट्रांसपोज कितना आपका है, ए है। तो कितना आपका आ गया, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए आपका आ गया। आपको आना कितना था आपका यहाँ पे ए बी। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि इफ ए एंड बी कम्यूट, अगर ये आपको कम्यूट करेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। सो देयरफॉर इस वाली क्वेश्चन से फ्रॉम वन से आप बोल सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज बी ए था, तो बी ए के साथ आप क्या कर देंगे, ए बी, कब, जब आपका ए और बी कम्यूट कर रहा है तब। ठीक है, तो देखो दो लाइन में क्या आपका हो गया, प्रूफ हो गया आपका ये प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो याद रखेंगे इसको। चलो कुछ भी तो अभी तक नहीं पूछना होगा, फटाफट करते हैं। यहां पे हम लोग बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिमेट्रिक हमने देख लिया, हम लोग बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या आपका होगा कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आपका ऐसा होगा, या फिर एलिमेंट्स के फॉर्म अगर हम लिखें तो ए आई जे क्या आपका है, ए का एलिमेंट है, इसमें हमने ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आपका हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा कहाँ पे, और ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस आपका हो गया। ठीक है, ऐसा तो उनके बीच में आपका ऐसा एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स का ऐसा रिलेशन होगा। अब इसमें एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात आप यहाँ पे है कि फॉर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये देखो उसके लिए क्या आपका होगा, आईएथ कॉलम और जेएथ दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, आई इंडिसेस और जे इंडिसेस दोनों को कहेंगे सेम होंगे। तो जब ये सेम होंगे सो देयरफॉर आपका देखो ए आई आई, ए आई जे था, आई जे दोनों बराबर है तो मैंने लिख दिया ए आई आई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ए जे आई है तो ये भी कितना हो जाएंगे, आई आई आपको हो जाएंगे। तो इसको आप इधर लाओगे तो देखो आप यहाँ से क्या मिल रहा है यहाँ पे कि ए आई आई इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, ए आई आई आपका
जीरो हो गया, है ना। तो क्या बात निकल कर क्या रहा वहां पे सामने, क्या निकल के आ रहा कहां पे कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक इसे बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब का है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो, आर ऑलवेज जीरो, आर ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है हमेशा कितना आपका होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अब एग्जांपल भी ले लगे आते हैं यहाँ पे हम लोग, देखो तो आपका ये क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा वहां पे, यदि आपने टू लिखा तो यहाँ पर माइनस टू आ जाएगा, यहाँ पे आपका थ्री लिखा तो आपका यहाँ पे माइनस थ्री आ जाएगा, बाकी ये जीरो जीरो रहेंगे, यहाँ का फोर, यहाँ पर माइनस फोर हो गया। ये मेरा क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, इसको घेरा नहीं करते हम लोग, कोई रिजल्ट नहीं लिखा हमने, ये मेरा क्या है एग्जाम्पल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जिसके प्रिंसिपल एलिमेंट जो है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है क्या आपको है, जीरो जीरो है, हमने यहाँ पे ये बात प्रूफ करी। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि आपका जो ये प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स जो है आप कहां पे, एलिमेंट्स आर एंटी मिरर इमेज, एलिमेंट्स आर एंटी मिरर इमेज अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल। इसकी एंटी मिरर क्या, इधर टू है इधर कितना हो गया माइनस टू, इधर थ्री है इधर कितना हो गया माइनस थ्री आपको हो गए, ठीक है, एंटी मिरर इमेज। ओके चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यही वाली बात यहां पे बताओ, उसके बाद मैं यहां पे आता हूं, इस पे आता हूं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं लिखता हूं स्क्यू सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलो बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे जो आपको इंडिपेंडेंट होंगे। अब आप समझ सकते हैं, तो इसी तरह से वर्ड्स में बताओ, प्रिंसिपल एलिमेंट्स प्लस अपर एलिमेंट या फिर लोअर एलिमेंट या फिर सिर्फ प्रिंसिपल एलिमेंट या फिर सिर्फ अपर एलिमेंट, ऐसा लिख के बताओ क्या होगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा ये बताओ, कितने एलिमेंट्स जो हैं जो क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे हमने सिमेट्रिक में समझा था ना उस तरीके से। प्रशांत पटेल क्या बोल रहे हैं सर, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या पूछ रहे हैं, नहीं पता, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कितने एलिमेंट्स होंगे जो अपर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ओनली, ठीक है गुड, है ना। अब जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे जिनका किसी दूसरे एलिमेंट से कोई वास्ता नहीं होगा, वैसे कौन से एलिमेंट होंगे, तो सिर्फ ये वाले या फिर ये वाले, तो यहां जो है आपका यहां भी क्या है, ये वाले आप नहीं रहेंगे क्योंकि अब ये फिक्स हो गए, ये क्या आपको है जीरो 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 है, ये मेरे चॉइस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये फिक्स है कि जीरो 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 ही होगा। इससे पहले सिमेट्रिक वाले में क्या था आपका, ये फिक्स नहीं था, मैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव जो भी लिखा था वो लिख सकता था मैं यहाँ पे, तो मेरे चॉइस पे डिपेंड करता था। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में प्रिंसिपल एलिमेंट्स के लिए अब कोई चॉइस आपके पास नहीं है, आपका फिक्स्ड है कि वहाँ पे क्या होंगे जीरो ही होंगे, इसलिए अब ये क्या होंगे डिपेंडेंट हो गए आपको, ये मतलब आपके साथ कोई चॉइस नहीं है। अब यहाँ जो आप पुट करोगे वही आप यहाँ पुट करोगे या फिर यहाँ जो पुट करोगे इसको आप यहाँ पे पुट करोगे, है ना। तो सिर्फ अपर या फिर लोअर
अपर या फिर लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स, यही एलिमेंट्स जो है कि आपको है इंडिपेंडेंट आपको है, तो कितना कहोगे एन स्क्वायर एन ना टू यानी एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू आपको हो गया। ओके तो इतने एलिमेंट्स क्या आपको है इसमें इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं आपको। ओके चलो तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं छोटी छोटी चीजों को बताता हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना है, और ऐसा नहीं कि इधर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही इधर से आपको क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो टीएफआर में भी जीआरएफ में भी आए हुए हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैट्रिक्स शुरू किए तो हम सीधे सीधे एकदम आइगन वैल्यूज सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनलाइजेशन सब इस पे चले जाए, ऐसा नहीं, मेरा वो तरीका नहीं है। जब भी मैं कुछ सीरीज करता हूँ तो एकदम पूरे जीरो से स्टार्ट करता हूँ ताकि जिनको नहीं भी आ रहा है तो वो लोग भी इसमें पॉपअप कर लें, वो भी समझ जाए, और जिनको आ रहा था तो अच्छी बात है, पहले से आ रखा है आपको ये और अच्छी बात है, आपके लिए रिविजन की तरह हो गया है ना। तो मेरा स्टाइल आप यही है, बहुत ही जीरो से स्टार्ट करता हूँ। चलो एक चीज मैं देखो यहाँ पे एक आपका पॉइंट है, क्वेश्चन भी आ रखे हैं इस पॉइंट से कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम SUM सम ऑफ टू मैट्रिसेस इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें से एक जो आपका मैट्रिक्स होगा कैसा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा जो आपका होगा कैसा होगा एंटी सिमेट्रिक होगा। ओके तो ऐसा देखो ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/2 एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 और ये कहोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से आप देख भी रहे हो कि हाफ ए ट्रांसपोज और माइनस हाफ ए ट्रांसपोज ये क्या बचेगा कैंसिल हो जाएंगे और हाफ ए और हाफ ए कितना बचेगा ए बचेगा। ये रिजल्ट जो आपका है कि आपका ए ही आ रहा है ना, लेकिन इसमें से आप इसको चेक कर लेना ये आपका जो पार्ट है ये क्या आपका है सिमेट्रिक, फर्स्ट वाला जो आपका मैट्रिक्स है क्या आपका सिमेट्रिक है और इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पेयर भी बोला जाता है सिमेट्रिक पेयर, और आपका जो सेकेंड आपका है ये क्या आपका है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक आपको चेक कर लेना। ठीक है, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक पेयर, स्क्यू सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक पेयर हम इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ओके तो देखो आपके जैम के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप उसको बना लो। जैम का क्वेश्चन नंबर 2 निकालो आप, IIT जैम का क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो मैंने असाइनमेंट दे रखा है उस असाइनमेंट आप जैम का क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। देखो बोलता है द सिमेट्रिक पेयर ऑफ आपका क्वेश्चन है सिमेट्रिक पेयर ऑफ आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है P इज इक्वल टू आपको है ए बी और ये आपका है a-2 और b। ठीक है, चलो एक बार देखो तो सभी लोग सॉल्व करो, सिमेट्रिक पेयर बताना है आपको। चलो सभी लोग सॉल्व करो, तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, p मैट्रिक्स लिख लो आप यहां पे, a
आपको जाएंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं आपका होगा, आपका ए इधर से खत्म, फिर ए बी है ना, ये आपका फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ए इधर से ए माइनस टू आपका इतना आ गया खत्म, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से आपका ये गए ए बी, फिर अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो कितना हो जाएंगे ए बी माइनस टू बी और फिर आपका हो गया बी स्क्वायर, तो आपका मैट्रिक्स पी आपका ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसका जो सिमेट्रिक पेयर होगा, सिमेट्रिक पेयर देखो, तो इसको हमने क्या बोला सिमेट्रिक पेयर, ये कितना हो गया वन बाय टू और आपको लिखो पी प्लस पी ट्रांसपोज, ठीक है, बस सॉल्व कर लो कुछ भी नहीं, तो आपका हो गया कितना पी आपके पास है इतने ए स्क्वायर माइनस टू ए, फिर आपको हो गया ए बी, फिर आपको हो गया ए बी माइनस टू बी और फिर आपको हो गया बी स्क्वायर और प्लस इसका ट्रांसपोज कर दो, बड़ा आसान आपका हो गया। तो देखो आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ हम लोग आप क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स वाले चैप्टर से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आगे भी ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन आपको, ऐसा नहीं कि आप आगे जाके हार्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आगे तो और भी आसान मिलेंगे आपको, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आज हमने देखा एक इंट्रोडक्टरी के, जब इंट्रोडक्शन की तो हमने बात करी मैट्रिक्स में, हमने कुछ इसके जो एलिमेंट्स थे उसके बारे में डिस्कस किया, कुछ हमने इसके जो टाइप्स थे हम उसके बारे में डिस्कस किया, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज थे हम उसको डिस्कस किया, यहाँ से जो क्वेश्चन आ रखे हैं है ना, और आगे भी ऐसे ही हैं बहुत सिंपल से हैं, तो आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मैट्रिक्स आपको पूरा का पूरा अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है, हमेशा आपको अच्छे से समझ में आएगा और हमेशा आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ओके ठीक है। और तो बाकी जो लेक्चर्स हैं वो लाइव ही रहेंगे, मैंने पहले ही बताया था लाइव रहेंगे लेक्चर्स, बीच में मैंने नहीं हटाया था क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने लगे थे कि सर रहने दीजिए, तो मैंने रहने दिया था, लेकिन लेक्चर्स लाइव रहेंगे, आप लाइव अटेंड करें या फिर आज रात भर के लिए छोड़ूंगा, ठीक है, तो आप रात भर में आपका कंप्लीट कर लेगा, आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो अपना रात भर में आप कंप्लीट कर लें, ठीक है, उसके बाद आपका लेक्चर हट जाएगा यूट्यूब से, तो आप कोशिश करें कि लाइव रहें, या फिर लाइव अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप अगले कुछ घंटों में इसको कंप्लीट कर लें और साथ में रखें। और मैंने गौर किया है कि जब मैं इसको रहने देता हूँ यूट्यूब पे, या फिर मैं ही नहीं कहीं भी आप देखते हो कि आपका लेक्चर पड़ा हुआ है वहाँ पे, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो हमेशा रहेगा ही, क्या दिक्कत है, तो आपके मन में एक साइकोलॉजिकल उस तरह का एक पॉइंट बन जाता है कि चलो ना रहने देते हैं, क्या है तो रहेगा ही, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, साल भर रहेगा इसमें, यहाँ पे मैं कभी भी देख लूंगा, है ना, तब ये एक माइंड सेट सेट कर लेते हो आप, इस तरीके से माइंड मेकअप कर लेते हो, उससे क्या है कि आपके पास ना आज का लेक्चर नहीं देखा तो ठीक है कल देख लेंगे, फिर कल का फिर नया लेक्चर आ गया वो भी जमा हो गया आपके पास, फिर अच्छा ठीक है तो दो तीन दिन आप नहीं देखे, एक दिन एक सप्ताह नहीं देखे, तो आपके पास लगे आपके पास आठ नौ दस लेक्चर क्या हो गया पूरा पाइलअप हो गया, अब आपको लग रहा है कि अरे यार तो ढेर से जमा हो गया आपको ये, अब मैं कैसे देखूँ, तो अब फिर आप स्टार्ट करते हो देखना, पीछे देखना स्टार्ट करते हो, तो ऐसा नहीं, उस सब कभी भी कुछ भी कर नहीं पाओगे फिर, है ना, तो जो क्लास चल रहा है आपको लग रहा है कि ठीक है ये मेरे फायदे में क्लास है तो आप क्लास के साथ में ही चलें, आपको अगर लगता है कि नहीं ये कोई फायदा का क्लास नहीं है तो फिर रहने दे कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो अगर आपको लगता है कि फायदा है मैं इसे समझ रहा हूँ मैं इसे सीख रहा हूँ मेरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है तो आप क्लास के साथ में चलें उसके साथ नोट्स बनाएं उसके जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहा है प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करें, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे असाइनमेंट्स आपके पास होंगे ऑलरेडी, आप उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं होता है ग्रुप में डिस्कस करें, तो क्लास के साथ में करते चलें तो आपको लगेगा कि हाँ मैं प्रिपेरेशन कर रहा हूँ ऐसी फीलिंग आपको आएगी, है ना, तो आपको मोटिवेशन भी लगेगा, आपके अंदर स्ट्रेस भी आएगा, टेंशन भी आएगा, यार मुझे लेक्चर देखना है मुझे ये करना वो करना है, तो आप एक टेंशन फील करेंगे और जब टेंशन फील करेंगे तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको वहाँ पे, है ना, तो दिसंबर जनवरी आते आते आपको लगेगा कि हाँ अब मैं बहुत कुछ प्रिपेयर कर चुका हूँ अच्छे तरीके से कि मैं एग्जाम में बैठ के अच्छा से एग्जाम पास कर सकता हूँ, एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकता हूँ, क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो क्लास के साथ में रहें, क्लास के साथ करते चलें, है ना, ओके तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के बारे में, तब तक आप पढ़ते रहें मेहनत करते रहें, थैंक यू, टेक केयर।